क्लास 12 जीव विज्ञान का आज पेपर था। 29 फरवरी यानी आज के दिन पेपर था। पेपर समाप्त हो गया है और सेट है 348 GL। इस पूरे सेट को हम सॉल्व कराएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मैंने कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी और वो पेपर में आ गई हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन होता है ये बहुविकल्पी का होता है और सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कृषि में भी होता है, चिकित्सा में भी होता है, वैक्सीन बनाने में भी होता है और इनमें से सभी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सही होगा इनमें से सभी, यानी तीनों में सही है तो इनमें से सभी। फिर अगला है, निम्न में से कौन आभासी फल नहीं है। आभासी फल नहीं है, आभासी फल का मतलब होता है आभासी फल यानी असत्य फल। असत्य फल कूट फल कहा जाता है। तो ऐसे फल जिनका विकास पुष्प के अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है उसे ही आभासी फल कहते हैं। तो आभासी फल नहीं है, नहीं को जरूर ध्यान देंगे। तो जो आम है ये आभासी फल नहीं है, जबकि सेब आभासी फल है, स्ट्रॉबेरी है, काजू है, लेकिन आम आभासी फल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा चौथा, आम। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिये अगला क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है, डेंगू बुखार का वाहक है। डेंगू को हड्डी तोड़ भी कहा जाता है। तो डेंगू बुखार का वाहक क्या होगा? एडीज एजिप्टी मच्छर होता है। डेंगू बुखार का वाहक एडीज एजिप्टी होता है। जो क्यूलेक्स है, क्यूलेक्स पाइपियंस से फील पाव नामक रोग फैलता है। एनाफिलीज से मलेरिया रोग फैलता है। फिर अगला है, जल परागित पादप का नाम है। जल के द्वारा परागित पादप, तो हाइड्रिला जल परागित पादप का नाम है। दो नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अब अति लघु उत्तरी प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। दो का पहला है आईयूडी का पूरा नाम। देखिए मैंने फुल नेम बहुत सारे बताए थे, भी जल्दी ही वीडियो अपलोड किया था फुल फॉर्म वाला, उसमें आईयूडी का फुल फॉर्म बताया था, वही क्वेश्चन आ गया है सेम। तो आईयूडी का फुल फॉर्म होगा इंट्रायूटेराइन डिवाइस। इंट्रायूटेराइन डिवाइस ये आईयूडी का पूरा नाम होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। फिर अगला है, वंशागतिका क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। तो वंशागतिका क्रोमोसोमवाद किसने प्रस्तुत किया था? सटन व बावेरी ने प्रस्तुत किया था, सटन व बावेरी ने। तो अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो सात जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। फिर अगला है, अनिषेक जनित फल क्या होते हैं? ऐसे फल जिनका विकास बिना निषेचन के वक्त से ही हो जाता है तो उसे ही अनिषेक जनित फल कहा जाता है। फिर अगला है, एस्को या पेटेंट से आप क्या समझते हैं? तो ये एक अधिकार होता है, जैसे लाइसेंस होता है वैसे एक अधिकार है जो सरकार द्वारा दिया जाता है। और इसलिए दिया जाता है ये अधिकार पत्र, ताकि उस उत्पाद को ना कोई खरीद सके और ना ही उसका कोई नकल कर सके, उसको बेच सके। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब लघु उत्तरी प्रश्न है, तो लघु उत्तरी प्रश्न देखिए दो दो नंबर के होते हैं। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल बहुत बार मैंने बनाना बताया और अपने मॉडल पेपर में बताया था, वही क्वेश्चन आ गया है जो मैंने बताया था। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का केवल चित्र, देखिए इस तरह से आप बना देंगे। प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र मैंने बनाना बताया भी हुआ है, इस तरह से, और नामांकन कर देंगे। और फिर अगला है, समयुग्मजता विषमयुग्मजता में अंतर बताइए। देखिए समयुग्म जिनके युग्मक समान हो, जिनके एलील समान होते हैं, समान जैसे कैपिटल टी समान है, तो समयुग्मजी और इस प्रकार के लक्षण जिन जीवों में पाए जाते हैं उसे ही समयुग्मजता कहते हैं। जबकि विषमयुग्मजता क्या है कि जिनके एलील अलग अलग हों, विषम हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो ये अलग अलग हो गया, कैपिटल डी स्मॉल डी है अलग अलग हो गया। तो ये इस प्रकार के लक्षण जिन जीवों में पाए जाते हैं उसे विषमयुग्मजता कहा जाता है। फिर अगला है, उत्पादकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्पादकता क्या होता है? तो देखिए उत्पादक जो होते हैं ये हरे पौधे होते हैं और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रकाश
संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं, इसे ही उत्पादकता कहा जाता है। यानी उत्पादकों के द्वारा या हरे पौधों के द्वारा भोजन का निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही उत्पादकता कहा जाता है। उत्पादन करना यानी उत्पादकता हो गया। अगला है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझेंगे। मैंने बताया था मेंडल के सभी नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और देखिए आ गया पेपर में मेंडल के पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में मेंडल बताया था कि यदि हम शुद्ध लंबे पौधे लेते हैं और शुद्ध बौने पौधे लेते हैं, दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस करवाने पर संकर लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं। फिर इनमें स्वपरागण अगर करवाया जाता है तो स्वपरागण कराने पर शुद्ध लंबे, संकर लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात, जो जीनोटाइप अनुपात था, जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 आता है, और अगर फिनोटाइप अनुपात की बात की जाए तो 3:1 आता है, ये फिनोटाइप अनुपात हो जाएगा। अगला है प्राकृतिक वर्ण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत दिया था, इसमें था क्या कि ऐसे जीवधारी जैसे कोई जीवधारी है किसी वातावरण में चला गया तो वहां पर अगर उस वातावरण के वो अनुकूल अपने शरीर को बना लेता है तो वो जीवित रहता है, और अगर उस वातावरण के अनुकूल नहीं बना पाता है तो वो मर जाता है। पूरी जानकारी मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डार्विन बात, डार्विन का प्राकृतिक वर्ण, पृथक्करण का नियम भी आ गया है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, प्रतिरक्षी अणु भी आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए वीडियो बंद हो गया था, हम पढ़ाते चले गए। तो अब 4 नंबर का क्वेश्चन जो लघु उत्तरी होता है, इसमें देखिए बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आ गया बैक क्रॉस क्या है, पहले देख लेते हैं। देखिए मेंडल ने जब शुद्ध लंबे पौधे लिए थे और शुद्ध बौने पौधे लिए थे, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया था, तो F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे उत्पन्न हुए थे। अब ये जो F1 पीढ़ी है और ये P1 पीढ़ी है, पेरेंटियल पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी का P1 पीढ़ी के किसी भी जनक से अगर क्रॉस कराया जाता है तो उसे ही बैक क्रॉस कहा जाता है। जब F1 पीढ़ी का P1 पीढ़ी के किसी भी जनक से क्रॉस कराते हैं तो उसे ही बैक क्रॉस कहते हैं। और जबकि टेस्ट क्रॉस क्या है, तो F1 पीढ़ी का P1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से, ये अप्रभावी था तो P1 पीढ़ी के अप्रभावी जनक से जब क्रॉस कराया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। फिर अगला है शुक्र जनन नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए। मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और देखिए आ गया, इसको बनाना भी मैंने बताया था कि कैसे बनेगा ये शुक्र जनन नलिका, यानी कि जो वृषण है उसकी अनुप्रस्थ काट, जो टेस्टिस है उसकी अनुप्रस्थ काट। तो इसमें जो सर्टोली की कोशिकाएं थी लंबी लंबी बनाना था, गोल गोल से उसके बीच बीच में शुक्रजनक नलिकाएं बनाना था, और लीडिंग कोशिकाएं यहां बनाना था, पूरा बताया हुआ था। फिर अगला है संक्रामक रोग का उदाहरण दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आया है। तो संक्रामक रोग कौन से होते हैं, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाते हैं, उन्हें ही संक्रामक रोग कहा जाता है। जैसे सर्दी जुखाम जैसे हो गया। फिर अगला है बीज एवं फल के विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए अगर पुष्प है, यहां पर ये पुष्प लगा हुआ है, ये पुष्प का अंडाशय होता है, यहां बीजांड होता है, तो पुष्प में निषेचन के बाद जब निषेचन हो जाता है तो अंडाशय से फल बनता है, और जो बीजांड होते हैं बीजांड से बीज बनते हैं, अंडाशय से फल का निर्माण होता है और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अब फल और बीज का विकास तो हो गया है, इनका महत्व क्या है, तो देखिए जो फल हैं, विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं ये खाने के काम आते हैं, पोषण के काम आते हैं, और इसी तरह से फलों के अंदर बीज संरक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और बीजों से नए नए वैरायटीज के पौधे उत्पन्न किए जाते हैं, बनते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि 5 नंबर का क्वेश्चन है, कावाला कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख कीजिए। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी, तो देखिए आप अलग अलग बता सकते हैं कि ये सूखा के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, सूखा के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, और ऐसे ही आप बता सकते हैं सूखा के अलावा कि पीड़क नाशी होते हैं फसलें ये, और ऐसे ही बता सकते हैं कि इसमें कीट नहीं लगते हैं, कीटनाशक होते हैं, और कोहरा के प्रति प्रतिरोधी होते हैं,
और ऐसे ही बहुत सारे लाभ हैं इसके। फिर अगला है मेंडलवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जैव प्रौद्योगिकी वाला मैंने बताया था कि इसमें इंपॉर्टेंट है, आ गया है। मेंडलवाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था जो मेंडल थे, ग्रेगर जान मेंडल इनका पूरा नाम था, ग्रेगर जान मेंडल, ये ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में रहते थे और इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर प्रयोग लगातार 8 सालों तक प्रयोग करते रहे और इसके बाद 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। कौन कौन से नियम थे? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभिवन का नियम और अनुवांशिकी के नियम भी इन्हें कहा जाता है, इसीलिए मेंडल को अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो इस तरह से लिख देते काम हो जाता। फिर अगला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। दाद, देखिए जो दाद है ये त्वचा संबंधी रोग होती है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं जो कवक के द्वारा होते हैं, कवक से होते हैं या फिर फंजाई से फैलते हैं। तो इसके बारे में मैंने चैनल में अपलोडेड था, मैंने बताया था, देख लीजिए अमीबता बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा, देखिए आ गया है अमीबता। और जो अमीबता है इसे अमीबिएसिस भी कहा जाता है, अमीबिएसिस भी कहते हैं या अमीबीय पेचिस भी कहा जाता है, अमीबीय पेचिस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि पेट में ऐंठन होती है, पेट में ऐंठन होती है और मल के साथ में आव आता है, खून आता है, यही सब लिख देना था। और ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा हो जाता है। फिर अगला है सहजीविता की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण देकर दीजिए। देखिए जो सहजीविता है ये वास्तव में क्या होती है कि इसमें कोई दो सहभोजी होते हैं, दोनों जीवित रहने के लिए, आवास के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए, जो भी है भोजन के लिए है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं और इसमें दोनों का लाभ होता है या फिर किसी की भी हानि नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे आर्किड व कंठलताएं लिख सकते थे, लाइकेन व साइकस की प्रवालाभि जड़ें, लाइकेन व साइकस की प्रवालाभि जड़ें, इस तरह से बता सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा एवं परजीविता की व्याख्या कीजिए, उदाहरण सहित दीजिए। देखिए प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन होता है, जब दो जातियों के बीच में भोजन के लिए, रहने के लिए होड़ होती है तो उसे ही प्रतिस्पर्धा कहा जाता है। तो दो जातियों या दो विभिन्न जातियों कह लीजिए, जबकि जो परजीविता है इसमें जो क्या होते हैं, दो जीव होते हैं, एक परजीवी होता है, दूसरा पोषक होता है और इसमें परजीवी अपना भोजन पोषक से लेता है, परजीवी को तो लाभ होता है लेकिन पोषक की हानि हो जाती है, तो ये परजीविता होती है। फिर अगला है पीले बीज वाले लंबे पौधे का संकरण हरे बीज वाले लंबे पौधे से कराने पर संतति में फिनोटाइप अनुपात। देखिए इस प्रश्न को मैंने अलग अपलोड किया था, एक वीडियो अपलोड किया था और उसको बताया था कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आएगा और देखिए पेपर में आ गया है, NCERT का क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि ये जरूर आएगा और पेपर में आ गया है। क्या है राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे अभयारण्य हो, इसको भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये जैव विविधता में बताया था, अलग नहीं बताया था, फिर भी ये आ गया है। फिर अगला है आवृतबीजी पादप के नर उद्भिद के विकास का, ये पूरा फुल एक क्वेश्चन का वीडियो मैंने, लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया है, बहुत पहले अपलोड किया था, इसको बताया था, समझाया था नर उद्भिद का विकास कैसे होता है। अब देखिए विस्तृत प्रश्न, ये देखिए पहला ही मैंने बताया था वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन वाला वीडियो बनाया था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का जो वीडियो बनाया था उसमें पहला ही क्वेश्चन यही था, आपको समझाया भी था, आप लोग जाकर के अभी देख सकते हैं। मैंने कहा था कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जरूर आएगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन फंस गया है हमारे उसी लॉन्ग क्वेश्चन से, बिल्कुल वही क्वेश्चन सेम आ गया है, मैंने बताया था और पहले ही सबसे नंबर 1 पर इसको रखा था, सेम वही क्वेश्चन आ गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और आ गया है। फिर अथवा लगा है मानव विकास, तो मानव विकास यानी ह्यूमन एवोल्यूशन पर टिप्पणी आ गई है। फिर अगला है 8 नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर सचित्र वर्णन कीजिए, DNA का द्विकुंडली मॉडल। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में इसको मैंने बताया था, आप लोग ना माने तो जाकर के देख लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में इसको भी समझाया था, बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में जरूर आएगा। देखिए द्विकुंडली की संरचना पूछी गई है, वाटसन और क्रिक वाली ही है तो आ गई है। पारितंत्र के घटक मैंने बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें उत्पादक लिखना था, उपभोक्ता लिखना था, अब घटक के बारे में बताना था, यही पारितंत्र के अब देखिए आ गया है, बहुत सारा फंस गया है। द्विसंकर क्रॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पेपर में फंस गया है, आ गए हैं। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं और फिर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अनुवांशिक रूपांतरित फसलें, चाहे संशोधित कहा जाए चाहे रूपांतरित कहा जाए, यानी कि GMO
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि अनुवांशिक रूपांतरित क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स के बारे में बताना था। तो जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना था उसके बारे में समझाना था। मैंने कई बार इसको समझाया था अपने मॉडल पेपर में। न्यूक्लियोटाइड्स के घटक, देखिए न्यूक्लियोटाइड्स में फास्फेट समूह होता है एक न्यूक्लियोटाइड की अगर बात की जाए उसमें नाइट्रोजन बेसिस एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होते हैं। फिर अगला है स्वस्थानीय संरक्षण। तो जब पेड़ पौधे जहां पर उगे हुए हैं, जैसे ये पेड़ पौधा है, ये जंतु है, जहां पर उगे हुए हैं वहीं पर उनको संरक्षण दिया जाता है तो उसे ही स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इस चीज को मैंने बहुत बार समझाया था जैव विविधता के संरक्षण में और आ गया है। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है व्यसन क्या है, किशोरावस्था में इसके कुप्रभाव। ये पूरा क्वेश्चन फंस गया है व्यसन वाला। मैंने बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में रखा भी था। देखिए ये आ गया है व्यसन वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए थे लगभग सभी क्वेश्चन फंसे हुए हैं। आशा है आप लोगों ने अच्छे से पेपर किया होगा और अच्छे नंबर पाएंगे। धन्यवाद।